तुम्हारा भाई आज करने वाला है दोस्तों पल्सर एनएस 125 वर्सेस होंडा का सीवी 125। सो दोस्तों तो लुकिंग की बात करते हैं तो पल्सर एनएस 125 में आपको 20 सेंटर में भाई सांकप देखने को मिलता है। जो इन दोनों का नेम प्लेट का भाई कंपेयर किया जाए तो मेरे को एनएस का पल्सर एनएस 125 में डबल सीट देखने को मिलता है, जो कि उसमें इन दोनों के फ्रंट लाइट के बारे में बात करते हैं दोस्तों तो इन दोनों में भाई और दोनों के दोनों बाइक भाई 5 गियर के हैं। वेलकम बैक टू माय दोस्तों, आज के स्लॉट में शुरुआत हुई भाई, अभी मॉर्निंग टाइम है और तुम्हारा भाई आज करने वाला है दोस्तों पल्सर एनएस 125 वर्सेस होंडा का सीवी 125 का दोस्तों कंपेयर करने वाले हैं। तो यहाँ दोनों के दोनों बाइक है, यहाँ देखो भाई तड़ा यहाँ का। सो दोस्तों तो लुकिंग की बात करते हैं तो भाई इसमें लुकिंग के मामले में भाई एनएस 125 एक कदम आगे बढ़ जाता है दोस्तों, क्योंकि एनएस 125 भाई लुकिंग के मामले में बहुत ही ताबड़ है दोस्तों। इसको 125 सीसी के अंतर्गत भाई वही बोला था आप लोगों को कि टक्कर देने वाला कोई नहीं है, बट MT50 आ गया है, वो भी हमारे बिलासपुर में नहीं आया है, इसलिए भाई अभी तो एनएस 125 ही जीत गया दोस्तों लुकिंग के मामले में भाई 125 सीसी के अंतर्गत, जहां तक मेरे को पता है भाई, और काफी सही दिखता है भाई, तगड़ा दिखता है। सीवीसन यहाँ का ना भाई पीछे छूट जाता है, बट इसका भी लुक बहुत ही अच्छा है भाई। इसके टायर की बात करें तो दोस्तों इसमें फ्रंट में दोनों का दोनों टायर भाई सेम ही का सेम ही भाई, बट पीछे में भाई थोड़ा सा डिफरेंट है। सीवीसन के आगे पीछे में भाई दोनों टायर बराबर लगे हुए हैं, बट एनएस में ऐसा नहीं है भाई। एनएस फ्रंट का टायर छोटा है और पीछे का टायर बड़ा है भाई, इस कारण से भाई एनएस को मिलता है 1 पॉइंट। बस इसमें एक दिक्कत भी है दोस्तों, बड़े टायर होने के कारण इसमें पिकअप वगैरह कुछ ज्यादा नहीं है। सीवी साइन इसमें बहुत ही फास्ट निकल जाता है भाई, सीवी साइन इसमें बहुत ही ज्यादा फास्ट निकलता है दोस्तों इसमें, क्योंकि पिकअप पकड़ता है ना। और यही कहने बात करते हैं दोस्तों तो इसके पीछे के लुक के भाई, तो इसमें भी एनएस जीती जाता है। देखो दोस्तों पीछे में भाई इतना ताबड़तोड़ दिख रहा है भाई, बट सीवी साइन उतना ज्यादा नहीं है, बट सीवी साइन एक ऑफिस बाइक है तो भाई ये बहुत ही ताबड़ा है भाई। सीवी साइन प्लस एवरेज वगैरह में भी इसके बारे में बताएंगे आप लोगों को। तो दोस्तों सांकप के बारे में बात करते हैं तो इसमें आप पल्सर एनएस 125 में आपको 20 सेंटर में भाई सांकप देखने को मिलता है, जो कि सीवी साइन के साइड साइड में देखने को मिलता है भाई सांकप, जो कि मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है भाई। डबल सांकप सिंगल सांकप पसंद है, जो कि भाई बीचों बीच में सेंटर में है भाई एनएस 125 के भाई, ये काफी लगता है भाई, ये सही है भाई। प्लस दोस्तों इसमें जो पैर रखने का है वो भी इसके स्टाइलिश है बहुत ही ताबड़तोड़ का, बट इसमें उतना ज्यादा नहीं है भाई स्टाइलिश वगैरह, नॉर्मल लुकिंग के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं है भाई। ये लुक वाइज भी ठीक है, बेटर है और सभी चीज ये अच्छा ही देता है भाई, तो ये मेरे को काफी अच्छा लगता है भाई। इन दोनों का नेम प्लेट का भाई कंपेयर किया जाए तो मेरे को एनएस का नेम प्लेट काफी अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें लुकिंग वगैरह डिजाइन वगैरह सभी दिया है भाई, बट इसमें नहीं दिया है, तो ये चीज है दोस्तों। टंकी के बारे में बात करें दोस्तों तो इसमें भाई आपको सीवी साइन में नॉर्मल टंकी देखने को मिलता है, बट सीवी साइन में भाई थोड़ा सा डिजाइन देखने को मिलता है, जो कि काफी अच्छा और काफी लुक वाइज भी दिखता है भाई, लुक वाइज बेहतर बनाते हैं इस बाइक को भाई टंकी के कारण ही। इसकी सीट की बात करें तो दोस्तों आपको भाई पल्सर एनएस 125 में डबल सीट देखने को मिलता है, जो कि उसमें स्प्लिट सीट देखने को मिलता है, जो कि इस ये भाई दिखने में अच्छा दिखता है, लुक वाइज काफी तगड़ा दिखता है, बट वो फैमिली बाइक है तो वो भाई बहुत ही अच्छा है। डिस्क के बारे में बात करें तो दोस्तों दोनों बाइक के फ्रंट में भाई आपको डिस्क देखने को मिलता है, जो कि काफी तगड़ा काफी सही भी है, लुकिंग के मामले में भाई काफी ओपी है भाई, बट इन दोनों में एक ही दिक्कत है दोस्तों, जो सीवी साइन का डिस्क है ना इसमें थोड़ा सा दोस्तों इसको दबाया जाए ना तो देखो कड़किड़ कड़किड़ करता है, बोले तो स्मूथ नहीं डबता भाई, और यह भाई एक्सीडेंट होने का कारण बन सकता है भाई बहुत ही ज्यादा वाला ना। बट यही कहना भाई एनएस 125 का ऐसा कुछ सीन है भाई, इसमें स्मूथ होता है, जो कि मेरे को काफी अच्छा लगता है भाई। मेरा ओपिनियन देखा जाए ना तो मेरे को भाई एनएस ज्यादा पसंद है भाई डिस्क के मामले में, और मेरे को डिस्क वाला बाइक ही चलाना पसंद है भाई, तो एनएस यहाँ कने अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस करता है भाई। इन दोनों के फ्रंट लाइट के बारे में बात करते हैं दोस्तों तो इन दोनों में भाई आपको हैलोजन लाइट देखने को मिलता है, जो कि मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट दोस्तों इसमें एक चीज होता है, जो दो लाइट होते हैं इनमें दोनों बाइक में भाई दो दो लाइट दिए हुए हैं। सबसे पहला तो भाई नॉर्मल जब चालू होता है तब जलता है भाई नॉर्मल सा, और दूसरा यहाँ करने दिया हुआ है भाई, इसको आगे करने से भाई डबल लाइट जलता है, जो कि एक साथ नहीं जलता दोस्तों, एक के बाद एक जलता है, वो मेरे को पसंद नहीं है भाई। हमारे एसपी होंडा में भाई दोनों के दोनों एक ही साथ चल जाते हैं भाई, दोनों का दोनों लाइट है उसमें भी, बट उसमें एलईडी है और दोनों के दोनों एक ही साथ जलते हैं भाई। इसमें भी दोस्तों यहाँ कने बटन का ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें नॉर्मल से दिया हुआ है, यहाँ कने है ये देखो, बट इसमें बटन का ऑप्शन दिया हुआ है, जो कि एक के बाद एक जलता है दोस्तों, तो ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है भाई। दोनों के दोनों एक साथ जले भाई, क्योंकि उतना ज्यादा कवर नहीं करता भाई सिंगल लाइट, तो ये चीज है दोस्तों इन दोनों बाइक में। लाइट के मामले में तो दोनों सिमिलर है भाई। पल्सर एनएस 125 में भाई बाइक ऑन होने पर यहाँ कने भाई लोगों का लाइट भी जलता है, जो कि काफी तगड़ा है, यही फीचर भाई हमारे होंडा सीवी साइन में नहीं है, तो इसमें भाई ऑलरेडी ये तो जीत ही जाता है और सभी चीज अभी जीत ही भी रहा है यही, तो ये काफी तगड़ा लग रहा है भाई मेरे को। बट भाई पिकअप के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों भाई हमारा सीवी साइन 125 आगे निकल जाता है दोस्तों हर बार, जितने बार भी इससे भाई वर्सेस करवा दो एनएस 125 से, बट हर बार भाई सीवी साइन ही जीतेगा, क्योंकि भाई इसका जो पीछे का टायर वो पतला भाई, और पतला टायर वालों का भाई जो पिकअप है ना बहुत ही ताबड़ रहता है, सीसी हिसाब होता है भाई ये 125 का दोनों भाई बाइक,
बट ये ज़्यादा फास्ट निकलता है भाई, ये बहुत ही स्लो हो जाता है। तो भाई पिकअप के मामले में हमारा सीबी संजीत जाता है भाई, इसका भी 1 पॉइंट आ गया भाई। दोनों बाइक के भाई अंदर में आप लोगों को 124 सीसी का इंजन देखने को मिलता है, जो कि कंपनी वाले लोग बोलते हैं सीबी साइन 125 या फिर एनएस 125, बट 124 सीसी का इंजन देखने को मिलता है दोस्तों। और दोनों बाइक भाई 5 गियर के हैं। इसमें आप लोगों को दिख भी रहा है, ये देखो नॉर्मल न्यूटन नीचे पहला और फिर चार ऊपर में है भाई। एनएस का ये सिंगल है, ये मेरे को पसंद है भाई, बट सीबी साइन में ऐसा नहीं है भाई, ये सिंगल दिया हुआ है, ये काफ़ी अच्छा लगता है भाई। ऐसा लगता है भाई कोई बड़ा बाइक चला रहे हो अपन लोग, और वैसे भी हमारे पास है भाई हमारा एनएस 125 बड़ा ही बाइक है भाई, और यहाँ का ना भाई, बट आप लोगों को ये देखने को नहीं मिलता भाई। ये भी 5 गियर का है, बट इसका गियर टाइप वगैरह अलग है, और इसमें भाई आप लोगों को डबल टाइप का देखने को मिलता है, जो कि मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है भाई। ये देखो डबल, सिंगल मेरे को सबसे अच्छा लगता है भाई, बट मैं सिंगल का ही यूज़ करता हूँ भाई, इस्तेमाल करके आगे का इस्तेमाल करके ना मैं चलाता हूँ, मैं पीछे का इस्तेमाल ही नहीं करता दोस्तों। तो ये चीज़ है, ये दोनों में थोड़ा सा फर्क। सीबी साइन में दोस्तों आपको प्रॉपर भाई साइलेंसर देखने को मिलता है, जो कि यहाँ कने नहीं है भाई, यहाँ कने नीचे में ही छोटा सा है, जो कि ये भी बढ़िया है, बट आप लोग लगवा भी सकते हैं भाई। यहाँ कने देखो नीचे तरफ, एनएस में आपको प्रॉपर सिलेंडर देखने को नहीं मिलता है, जो कि नॉर्मल यही कने बस बना दिया है, तो यही प्रॉपर है भाई इसका, बट सीबी साइन में प्रॉपर दिख भी रहा है भाई बाहर से, तो ये चीज़ मेरे को अच्छा लग रहा है। वैसे इसमें भी होना चाहिए, अच्छा दिखता है भाई। दोस्तों इन दोनों बाइक के माइलेज के बारे में बात करते हैं, तो दोस्तों आपको पल्सर एनएस 125 में भाई 45 का माइलेज देखने को मिलता है, जो कि सीबी साइन 125 में आपको 65 का माइलेज देखने को मिलता है। तो इन दोनों बाइक में भाई बहुत ही अंतर आ जाता है भाई, इसमें भाई सीबी साइन आगे निकल जाता है, क्योंकि भाई एक माइलेज बाइक सबको पसंद है। आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं दोस्तों, और आपको चाहिए भाई एक फैमिली वाला बाइक प्लस माइलेज वाला, तो मैं बोलूंगा भाई आप लोग होंडा का सीबी साइन लीजिए, या फिर भाई एसपी का होंडा 125 लीजिए। होंडा की है एसपी 125, दोनों बेहतर है दोस्तों, बट भाई एसपी होंडा भाई कुछ ज्यादा ही अच्छा है, क्योंकि उसमें बहुत सारे फीचर है, प्लस उसमें एलईडी लाइट, डिजिटल मीटर, और इसमें भाई आपको स्पीडोमीटर देखने को मिलता है, स्पीडोमीटर उसमें भाई आप लोगों को डिजिटल मीटर देखने को मिलता है, जो कि काफी अच्छा है, मेरे को भी पसंद है भाई। क्लास फैमिली वाले हो तो दोस्तों मैं तो बोलूंगा यही लीजिए, होंडा का सीबी साइन या फिर एसपी का होंडा 125 भाई, दोनों का दोनों बेहतर है भाई। और आपको फैमिली के लिए नहीं चाहिए भाई, आपको अपने लिए चाहिए प्लस रोले के लिए चाहिए, तो आप लीजिए भाई पल्सर का एनएस 125, या फिर इससे ऊपर भी ले सकते हैं, बट आपके पास बजट वगैरह नहीं है ना, तो ये ले सकते हैं दोस्तों, जो कि 1.5 लाख रुपए में आ जाता है। अगर दोस्तों आप लोग लेना चाहेंगे भाई पल्सर का एनएस 125 125 सीसी दोस्तों, तो इसका ऑन रोड प्राइस है 1,25,000 रुपए, जब अपन लोग लिए थे तब उतना ही था दोस्तों, और अभी का तो मेरे को पता नहीं है, बट अपन लोग डाउन पेमेंट किए थे दोस्तों 42,000 रुपया, और उसके बाद फिर अपन लोगों को पूरा किस्त बना था भाई 1,42,000 रुपया, ऐसे कुछ था 17-18 महीने का। लेकिन भाई सीबी साइन के बारे में बात करते हैं, तो इसका ऑन रोड प्राइस 1,02,000 इसी कुछ करीबन था दोस्तों, उसके बाद फिर ये हम लोगों को पूरा का पूरा पड़ गया 1,25,000 रुपया। इसमें भी दोस्तों अपन लोग 40-50,000 रुपया डाउन पेमेंट किए थे, तो ये था दोस्तों, और यही था कुछ समथिंग 17-18 महीने का ये भी था, उससे ज्यादा अपन लोग बनवाते भी नहीं है, उतने ज्यादा कवर हो जाता है दोस्तों, पैसा भैया पटा देते हैं ना, उतना ज्यादा काम वाम करते हैं, जॉब वॉब तो उनका आ जाता है बहुत सारा पैसा, तो 4-5,000 रुपये पटाते हैं, तो इतने में हो जाता है दोस्तों। तो ये सारी चीजें थी पल्सर एनएस 125 वर्सेस होंडा का सीबी साइन 125। सीबी साइन दोस्तों ये एक ऑफिस बाइक है, जो भाई एक मिडिल क्लास फैमिली वाले बंदे लोग लेते हैं ज्यादातर भाई मैं देखा हूँ, और जो एनएस 125 दोस्तों वो रोले के लिए लेते हैं, कई लोग लेते हैं, और नॉर्मल बंदे भी लेते हैं, मिडिल क्लास के बंदे भी लेते हैं, जैसे कि अपन लोग है भाई, एक नॉर्मल मिडिल क्लास के बंदे हैं जिस जो भाई रोले के लिए लिए हैं, वो भी बहुत टाइम है भाई। लुकिंग के मामले में भाई पर हमारा जो पल्सर एनएस 125 है वो इजीली बीट कर सकता है यार सीबी साइन को, बट यहाँ का ना यार इसको लुकिंग के मामले में नहीं बनाया गया भाई, ये बहुत ही अच्छा भी है, माइलेज भी देता है, प्लस भाई बहुत सारी चीजें जो कि इसका अच्छा है भाई। यहाँ के ना फीचर वगैरह में इससे भाई थोड़ा सा कम है, बट भाई एक्चुअली में देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा भाई, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए है, सही है भाई, वो भी इतना कम प्राइस में भाई। पल्सर एनएस के मुताबिक भाई इसका 24-25,000 कम ही है भाई, तो एक 25-26,000 कम में भाई इतना मस्त इतना फ्यूचर वाला बाइक मिल रहा है, प्लस ये यार जॉब बाइक है यार, तो ये बढ़िया है, और ये नॉर्मल सा भाई घूमने उमने के लिए भाई स्पोर्ट बाइक टाइप में आ जाता है, स्पोर्ट बाइक में स्पोर्ट बाइक ही है भाई। ये चीज है दोस्तों इन दोनों बाइक में, वो ऑफिस बाइक है और ये एक स्पोर्ट बाइक है, जो कि रोला वोला करने के लिए भाई, नॉर्मल घूमने उमने के लिए है, रोला काटेंगे रोला ऐसा वाला सीन है। तो इसमें भाई हर एक चीज भाई लुकिंग के मामले में ओपी दिया है, बना के दिया हुआ है, देखो जैसे कि नीचे में भाई वहाँ का नहीं है लोहे का, मेरे को पता नहीं मड़गाड़ वगैरह, बट उसमें कुछ भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि वो रोले के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये है दोस्तों रोले के लिए। ये सभी चीजें थे दोस्तों, अगर आप लोगों को और भी जानकारी चाहिए तो मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मैं भाई एक लाइफ स्टाइल व्लॉगर हूँ, बट आप लोगों ने तो मेरे को बाइक वाला व्लॉगर बना दिया भाई, इधर से उधर बताओ उधर से इधर वर्सेस कराओ किसी का भाई, इतना ज्यादा कमेंट आ रहा था, सभी का नहीं 2-4 का कमेंट आ रहा था, बट आप लोगों का मन है तो भाई बना ही दिया। तो ये रहा दोस्तों आज का, ये इतना है भाई वीडियो,
तो आप लोगों को अच्छा लगे कि नहीं मेरे को बताइएगा, और कुछ छूट गया होगा वो भी बताइएगा। मेरे को उतना ज़्यादा नहीं आता, जितना मेरे को बना उतना मैं बता दिया भाई अपने हिसाब से, और मेरे को सभी चीज़ें के बारे में जानकारी वगैरह नहीं है, जिसका मैं बहुत सारी चीज़ों का नाम नहीं ले पाया भाई, तो मेरे को पता नहीं है। इस व्लॉग वीडियो को हैंग करने दिन करता हूं, आशा है कि आप लोगों को राशि ये वाला व्लॉग पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दिया, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया। फिर मैं आप लोगों किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।